हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, खबर ये है कि लोकल न्यूज़ आउटलेट क्योडो की 4 अप्रैल की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि G20 मेंबर कंट्रीज़ 8 और 9 जून को जापान के फुकुओका में मिलेंगे और इंटरनेशनल क्रिप्टोकरेंसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट और आधिकारिक योजना के अनुसार G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और ये जो इवेंट होगा वो क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म से निपटने के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर फोकस होगा। इसके अलावा क्योडो के अनुसार ये भी उम्मीद है कि 4 अप्रैल को ये पता चलता कि देशों की इस बैठक के दौरान नए समझौतों और रेगुलेशंस पर पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट बताती है कि जो मेन एम है वो गुमनाम विरोधी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड को गंदा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है जिससे कि क्रिप्टो वर्ल्ड को सिक्योर रखा जाए। वहीं दूसरी खबर यह है कि HSBC ने एक कपल के ऑनलाइन बिटकॉइन खरीदने के प्रयास पर अकाउंट को पेमेंट को सस्पेंड कर दिया। कपल व्यक्ति के कहना है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वे अपनी 70 वर्षीय पत्नी के लिए मेडिकल कैनाबिस यानी कि मेडिकल भांग खरीद सके। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि HSBC ने कस्टमर के बिटकॉइन खरीद से जुड़ी एक्टिविटी को रोका है। एक HSBC के कस्टमर ने फाइनेंशियल मेल इन्वेस्टिगेटर टोनी हेथरिंगटन को बताया कि मैं फर्स्ट डायरेक्ट के साथ अपने ऑनलाइन अकाउंट के इस्तेमाल करके बिटकॉइन खरीदने की कोशिश कर रहा था। जो HSBC का हिस्सा है उसने केवल मेरी ट्रांजैक्शन को नहीं रोका बल्कि मेरी सारी ऑनलाइन पेमेंट को रोक दिया है और मुझे जोर देकर कहा कि मैं दोबारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ केवल पहले से मौजूद अकाउंट के लिए सिर्फ। और जब ग्राहक ने एक हफ्ते के बाद कोई दूसरा रीज़न देकर अपने खाते के उपयोग से बिटकॉइन खरीदने का प्रयास किया गया तो दोबारा बैंक ने खारिज कर दिया और कहा कि वे ऐसा कस्टमर की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको खबर पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।